श्रीनगर से पीएम मोदी ने देशवासियों को दी योग दिवस की बधाई, कहा योग से जुड़ी धारणाएं बदली, योग से नए अवसर पैदा हुए हैं, योग से एकाग्रता का सामर्थ्य निखरता है। योग गुरु बाबा रामदेव के साथ योग साधकों ने भी किया योग, बाबा रामदेव ने योग कर दी योग के आसनों के महत्व के बारे में जानकारी, योग गुरु ने पावर योग के बारे में बताया। जम्मू कश्मीर के अखनूर में एलओसी के पास भारतीय सेना के जवानों ने किया योग, जवानों ने योग के जरिए स्वास्थ्य के निरोगी रखने का संदेश दिया। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में योग दिवस के मौके पर एसएसबी जवानों ने किया योग, नेपाल सेना के जवान भी साथ मौजूद रहे। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बीएसएफ ने जवानों ने किया योग, अटारी वाघा बॉर्डर पर योग करते नजर आए जवान। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ किया योगाभ्यास। दिल्ली में बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने किया योग, मंत्री किरेन रिजिजू भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया योगाभ्यास, लोगों से भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग से जुड़ने की अपील। आईएनएस विक्रमादित्य पर नौसेना के जवानों ने किया योग, देश दुनिया को योग की जीवन शैली का हिस्सा बनाने की प्रेरणा दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली बेल, राव जवेनी कोर्ट ने राहत देते हुए जमानत दी, आज तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं अरविंद केजरीवाल। आज कोर्ट खुलने के बाद केजरीवाल करेंगे बेल बॉन्ड की प्रक्रिया पूरी, इसके बाद तिहाड़ जेल पहुंचेगा ऑर्डर, प्रक्रिया पूरी होने में 3 से 4 बजे तक का समय लग सकता है। सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख करेगी ईडी, केजरीवाल को अदालत से मिली जमानत के फैसले के खिलाफ आज दिल्ली हाईकोर्ट जाएगी ईडी। 24 जून को संसद घेराव करेगी एनएसयूआई, एनएसयूआई अध्यक्ष वरुण चौधरी की मांग, एनटीए को बैन करने, नीट परीक्षा दोबारा कराने और धांधली में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई। नीट मामले पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ली नैतिक जिम्मेदारी, कमेटी करेगी जांच, धर्मेंद्र प्रधान ने कहा एनएटी को लेकर लिया जाएगा हाई लेवल कमेटी से रिकमेंडेशन। एबीपी न्यूज, धर्मेंद्र प्रधान ने कहा प्रथम दृष्टया सरकार के पास एनटीए से हुई गड़बड़ी की जानकारी, जल्द ही उठाया जाएगा बड़ा कदम। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज, वो कहते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की लड़ाई रुकवा दी लेकिन पेपर लीक नहीं रोक पा रहे, ये छात्रों के भविष्य से खिलवाड़। नीट के अभ्यर्थियों से राहुल गांधी ने की मुलाकात, का पीएम मोदी और उनके मंत्रियों की अक्षमता के कारण लाखों छात्रों का अधर में भविष्य। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का दावा, पेपर लीक मामले का आरोपी सिकंदर तेजस्वी का करीबी है, मामले की होगी उच्च स्तरीय जांच। गेस्ट हाउस के रजिस्टर में सिकंदर किरदार के नाम के आगे लिखा था मंत्री जी, विजय सिन्हा का दावा वो मंत्री है तेजस्वी, तेजस्वी के पीएस का आरोपी सिकंदर से दूर का संबंध। बिहार के डिप्टी सीएम का दावा, लालू के रांची जेल में रहने के दौरान सिकंदर लालू के लिए वहां बनाता था व्यवस्था, तेजस्वी के मंत्री बनने पर सिकंदर का बढ़ाया गया प्रभाव। तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम, तेजस्वी के प्राइवेट सेक्रेटरी प्रीतम, बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी, विरोधियों का सिकंदर का तेजस्वी के पीएस से संबंध होने का आरोप। नीट परीक्षा को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी, एनटीए के खिलाफ लड़ाई का 16वां दिन, परीक्षा में धांधली को लेकर आज भी देश में कई शहरों में छात्रों का धरना प्रदर्शन, 4 जून को आए थे नतीजे। नीट परीक्षा की धांधली को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल, पूरी परीक्षा को नए सिरे से कराने की मांग, देश भर में प्रदेश मुख्यालयों पर प्रदेश कांग्रेस नेता करेंगे बड़ा विरोध प्रदर्शन। नीट पेपर लीक मामला, दिल्ली में बिहार पुलिस ईओई के अधिकारियों की टीम, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने मांगे सबूत और अन्य दस्तावेज, आज हो सकती है शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों की मुलाकात। यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर एक्शन में सीबीआई, अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया, बुधवार को ही शिक्षा मंत्रालय ने रद्द की थी परीक्षा। सड़क से संसद तक नीट एग्जाम को लेकर प्रदर्शन, विपक्षी दलों के छात्र संगठनों का अब संसद के घेराव का ऐलान। दिल्ली में पानी पर पॉलिटिक्स जारी, जल संकट को लेकर आज से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे मंत्री आतिशी। सुबह 11 बजे राजघाट जाकर बापू को देगी श्रद्धांजलि, इसके बाद जंगपुरा की भोगल कॉलोनी में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे। देश के दक्षिणी हिस्से में मौसम हुआ मेहरबान, चेन्नई और तमिलनाडु में बदला मौसम का मिजाज, जमकर बरसे बादल, 2 दिन पहले भी हुई थी बारिश, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। कर्नाटक के हुबली में भी मॉनसून की दस्तक, धारवाड़ जिले में जमकर बारिश हुई, शहर की सड़कों पर भरा पानी, बारिश से तापमान में आई गिरावट, अगले 24 घंटे में बारिश का अनुमान। ओडिशा के कई जिलों में बारिश की फुहार, मयूरभंज में जमकर गिरा पानी, शहर के कई हिस्सों में झमाझम बारिश, मौसम का मजा ले रहे लोग, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट।